दोस्तों, पित्त में पथरी एक भयानक चीज है और अगर उसका ऑपरेशन ना कराया जाए तो वो और भयानक रूप ले सकती है। लेकिन यहाँ हम बात करने वाले हैं भारती सिंह की। जी हाँ, उनकी भी पित्त में पथरी है, यानी कि पथरी का ऑपरेशन हो चुका है। लेकिन उनको किन दौर से गुजरना पड़ा है ये आपको बताएंगे। कॉमेडियन भारती सिंह ने अपनी बीमारी के बारे में वीडियो शेयर करके बताया। उन्हें पित्त की थैली में पथरी की समस्या है, जिसके लक्षण बहुत देर से समझ आ पाए। गॉल स्टोन के इन लक्षणों के बारे में जान लें ताकि आपसे कहीं ये गलतियां ना हो जाए। पॉपुलर कॉमेडियन भारती सिंह को पथरी की वजह से अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। उन्हें गॉल स्टोन की समस्या हो गई, मगर इस बीमारी का इलाज देर से शुरू हुआ क्योंकि उन्हें इसका लक्षण समझने में काफी देर लग गई। इसके बारे में उन्होंने अपने ब्लॉग में जानकारी भी दी थी। भारती सिंह को कुछ दिनों से लगातार पेट दर्द हो रहा था। कुछ खाने पर दर्द से बुरा हाल हो जाता था और उल्टी भी आती थी। शुरुआत में कॉमेडियन इसे गैस्ट्रिक या एसिडिटी की परेशानी समझती रही, मगर बाद में टेस्ट से इस समस्या के बारे में पता चला। इसे निकालने के लिए उनकी सर्जरी की जाएगी। भारती के गॉल ब्लैडर में पथरी निकली है। ये अंग पेट के दाएं तरफ लीवर के नीचे मौजूद होता है। इसमें लीवर से निकलने वाला बाइल फ्लूइड इकट्ठा होता है, जिसके कण जमने से पथरी बन जाती है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डायबिटीज एंड डाइजेस्टिव एंड किडनी डिजीज ने गॉल स्टोन के प्रमुख लक्षण बताए, जिनमें पेट की दाएं तरफ कई घंटों तक लगातार दर्द होना, जी मचलाना, उल्टी, बुखार, स्किन आंख पीला पड़ना, पेशाब का भूरा रंग या हल्के रंग का मलाना शामिल है। जब बाइल फ्लूइड में कोलेस्ट्रॉल, बिलिरुबिन ज्यादा हो या फिर बाइल सॉल्ट कम हो तो ये पित्त की थैली में जम सकता है, जो छोटे छोटे पत्थरों का रूप भी ले लेता है। कुछ लोग पित्त की थैली की पथरी तोड़ने के लिए सेब का जूस उपयोग करते हैं। सेब का रस पथरी को मुलायम बनाकर निकालने में मददगार होता है। शरीर को डिटॉक्स करने के लिए अक्सर सेब का सिरका उपयोग किया जाता है। ये पित्त की थैली को साफ करने में भी मददगार है, हालांकि इसके बारे में और स्टडी की जरूरत है। तो दोस्तों, पित्त की पथरी जो होती है वो बहुत खतरनाक होती है। अगर दर्द उठता है उसका तो बेहद खतरनाक उठता है। तो अगर आपको भी ऐसा कुछ अपने पेट में महसूस होता है और कभी कभी पता नहीं चल पाता, हम सोचते हैं कि एसिडिटी की समस्या हो गई है या पेट में कुछ और दर्द हो रहा है, हम तरह तरह की अपने आप ही डॉक्टर बन जाते हैं अपने और तरह तरह की दवाइयाँ खाना शुरू कर देते हैं। लेकिन सबसे पहले अगर आपको भी ऐसा हो रहा है तो डॉक्टर से परामर्श जरूर लें। उसके बाद अगर आपकी रिपोर्ट आएगी तभी पता चल पाएगा कि आपको क्या समस्या हो रही है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें।